वैसे ही जैसे आंटी महारानी से साइकिल मांग ली गई थी। पर जाना था दुबई, पहुंच गए रेगिस्तान, वहां पे भी है रेगिस्तान, यहाँ पर भी है, के चलवे देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करने के बाद मेंबर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहोगे कि डिंपल दी आप तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्रेश ही लग रही हो और हंसती मुस्कुराती हुई हमारे सामने आई हो। तो बड़े टाइम से आप लोग कह रहे हो कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हो रही हूँ, तो उसके रीजन जो हैं जैसे भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, लेकिन अभी मैंने कल रात को एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वहाँ पर मुझे जो मैसेज आए हैं बहुत सारी ब्लेसिंग भी आई हैं। तो भगवान करे हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, सब लोग अपने घरों में खुश रहें, हम सब लोग अपने घरों में खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, है ना जी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली का अपनी मतलब कि जो भी दुख तकलीफ है वो बताकर जो है ठीक है अर्निंग करते हैं, क्योंकि मे भी उनको जरूरत है या जो भी है, या फिर उनकी आदत है कि छोटी से छोटी जो बात है वो यही सोशल मीडिया पर बताएंगे। देखिए जो दुख है वो कोई आपके इतने मतलब नहीं बांट सकता, वो दुख जो है आपको अपने अंदर ही रख के अपने फैमिली के साथ ही बांटने पड़ते हैं, वो दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो तकलीफें जो हैं तो कहीं ना कहीं मतलब भगवान ही सहन शक्ति देगा उन तकलीफों से निकलने के लिए, रास्ता भी वही दिखाएंगे। और ये प्रवचन मुझे पता है आप लोगों को शायद बोर भी हो रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन बहुत जरूरी है ये सब बातें, है ना जी। लेकिन मैं सब लोगों के आगे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप लोग जो है आज की तारीख में मेरी फैमिली के लिए ब्लेसिंग भेजें, बहुत सारी ब्लेसिंग भेजें। पता नहीं कौन सी अच्छी आत्मा, कौन से मतलब कि किसकी भगवान जो है वो जल्दी सुन ले, क्योंकि पता नहीं किसकी अरदास जो है सबसे पहले वो कतार में लगा हुआ है। मे भी हम लोग बहुत पीछे हैं, या फिर भगवान की नजर जो है पीछे वालों को पहले देख लेगी। जो भी है आप लोग जो है इस टाइम पे अरदास करें मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर रीजन जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। तो होता क्या है कि सम टाइम बहुत मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें छोटी छोटी चलती रहती, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होती है ना। मतलब शिखर पर जाके जैसे कि आपने पूरा पहाड़ लांग लिया है ना, अब पहाड़ों की बात करेंगे तो पहाड़ का एग्जाम्पल देंगे ना, तो पहाड़ लांग लिया तो आप जब शिखर की चोटी को छूने ही वाले थे, लेकिन आपके नीचे से सपोर्ट जो है वो हट गई, जहाँ हटा ली गई, तो फिर आपको पता है क्या होगा, है ना। तो बस वो ही सिचुएशन डामाडोल से इस टाइम पे हो रखी है। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जो गुरुजी की इतनी अच्छी संगत मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरे साथ में, तो प्लीज़ ब्लेस करें। रोते हुए मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, ना ही मैं अपनी आंखें भरूंगी, ठीक है। तो चलिए जी अपनी शुरुआत करते हैं अपने आज के एपिसोड के साथ। तो जहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे एपिसोड बना ही लेना चाहिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उसमें ये पूछा गया है कि किसी ने बात करी है कि प्रीतो जो है उसने अपने लॉस से जो है सॉरी फील कर लिया है, क्योंकि उसने बोला कि इस गलती की शायद मेरे को माफी भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ उसका टाइटल रहा था, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपने लॉस से माफ़ी नहीं मांगी है, और जैसा उनका जो भी है जैसा भी है चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, वो आप लोगों के सबके सामने ही है, है ना। तो लेकिन उनका कहना था कि प्रीतो ने जो है माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांगने के बाद प्रीतो चली ससुराल, ऐसे बहुत टाइम से हम लोगों के थंबनेल टाइटल भी रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम पे तो जो है जूठी जो है उसको बहुत सारे सपने दिखा रही हैं, जूठी इस टाइम पे ट्रैवलिंग टूर एंड ट्रैवलिंग के अपने ब्लॉग्स बना रही हैं, और बहुत सारे लोगों को जहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा कि नहीं पुतन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्द देखिए ये तो नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पुतन ने दुख नहीं झेला होगा, ये तो नहीं है, झेला होगा, है ना। जो भी है जैसा भी है, बेशक गलती अपनी ही हो, उसमें ये होता है कि आप लोग भी समझते हो किसी से अलग होने का, जुदा होने का दर्द जो है वो तो अलग होता ही है, अलग अलग क्या होता है, अलग होने का दर्द जो है वो तो होता ही है, वो उसी को हुआ होगा, पुतन को भी हुआ होगा और नन्नू जीजा को भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो दो लोगों से अलग है इस टाइम पे, दो लोगों से दूर है, अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से, है ना जी।
तो ये सब चीजें जो है सोशल मीडिया पर बहुत बहुत ज्यादा वायरल रही हैं, ट्रेंडिंग पर रही हैं, कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ने यही एक कहते ना कंटेंट जो है वो लेकर आए हुए थे। जैसा कि लखनवी गर्ल ऑलवेज गर्ल, उसने भी ये बहुत कंटेंट बना लिया था। जैसे मलिक साहब को देख के, खैर अब तो उनके घर भी डिलीवरी होने वाली, तो जल्दी से उनके ऊपर भी एपिसोड लेके आऊंगी। तो बात यही है कि जब दिल में दर्द होता है ना, तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है ना। तो ऐसा ही रुक रुक के एपिसोड जो है पुतन के आते थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करी थी, ये कहते हुए कि पुतन परी के रेगुलर एपिसोड क्यों नहीं आते, क्योंकि अगर वो खुद को सिंगल मदर जो है वो घोषित कर चुकी हैं, तो सिंगल मदर को तो वही पैसे की जरूरत है ना। तो फिर वही बात है, क्योंकि राशन वगैरह भी आपको पता है कि पुतन परी को ही डलवाना होता है ना। चाहे वो देखिए, आप किसी के घर में साल 2 साल रह रहे हो, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है आपको वहां पर कुछ ना कुछ शेयर करना ही पड़ता है ना, क्योंकि नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम बोझ है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं पुतन को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं पुतन जैसे बहुत सारी लड़कियों को ये चीज समझा रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की अगर अच्छी बॉन्डिंग है, एक प्यारा सा बच्चा भी है, एक है जहाँ किसी के दो भी हैं, है ना, तो भैया बहुत आराम से बहुत सहन शक्ति से अपने रिश्ते को जो है आगे बढ़ाए, समझदारी से आगे बढ़े, है ना, यही वो बात है। और यहाँ पर नन्नू जीजा के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट एपिसोड जो है, एपिसोड कह लें जो भी कह लें, कि शॉर्ट वीडियो बन बन के सामने आए हुए हैं, जिसमें ये भी बातें हैं कि पुतन परी की मर्जी से कुछ भी नहीं होता था। अगर वो एक छोटी सी 500-600 हजार रुपए की अगर मेड भी रखना चाहे तो उसको रखने के लिए मनाही थी। मतलब ये सब कुछ कबूलते हुए नजर आते थे नन्नू जीजाई, लेकिन उसकी वजह जो है वो शॉर्ट वीडियो में नजर नहीं आती, उसकी वजह क्या थी, है ना। चलिए जो भी वजह रही हो, अब तो वाकई में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है पुतन चढ़ी ससुराल, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जूठी पर और मोटू बिटिया पर। तो जूठी और मोटू बिटिया पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि जूठी के लिए अब बहुत सारे लोगों को जो है अपनी अपनी ओपिनियन देनी पड़ी है उनको, सॉरी अपनी सजेशन देनी पड़ी है उनको, है ना। सबकी ओपिनियन तो अलग अलग थी, लेकिन सजेशन लगभग सबकी सेम थी। अच्छा, उन लोगों ने यही चीजें बोली कि आप लोगों को पता होगा कि जूठी जो है कहीं ना कहीं 100 रुपए बचाने में, 50 रुपीज बचाने में, याद है आप लोगों को कीवी के लिए कितना में बहुत महंगी आती है, लेकिन खुद खाना हो तो कुछ नहीं। लेकिन पुतन परी जब इसके यहाँ पर चांदपुर जाते थे तो पुतन परी से ही फ्रूट वगैरह मंगवाए जाते थे, है ना, और जो भी घर का थोड़ा बहुत जो भी राशन है वो भी उसी से लिया जाता था। बीजा ये लेके आप कितने चक्कर लगवाए जाते थे पुतन परी से, और पुतन परी भी घुमक्कड़ है, घूमने फिरने की शौकीन है, वो कर देती थी, चलिए मना नहीं करती थी वो किसी भी काम के लिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम लोग आज, जैसे मैंने विंटर में अभी हीटर लिया था है ना, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 2200 तक भी रेंज में, अगर आप इससे भी अच्छा लेते हो, लेकिन आपने वो पे किया, उसको आपने 1 मंथ ही यूज किया या 2 मंथ यूज किया, तो उसके बाद घर शिफ्टिंग में आप क्या है कि वो जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर है, कुछ है, वो आप अपने जाते हुए मेड को दे जाते हो, नहीं ना। आजकल की मेड जो है वो भी किसी से कम नहीं है। देखिए, एक तो कैसे भी हैं आप लोग, छोटे लोगों से बहुत बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है, छोटा बड़ा मतलब अब थोड़ा ये जहां पर ये होता है कि क्लास का फर्क आ जाता है ना थोड़ी, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि काम को देखिए, वो लोग भी मेहनत करते हैं, थोड़े में गुजारा करते हैं, लेकिन ज्यादा जमा करते हैं, लेकिन वो भी अपनी जो सामान है उसको यूज करते हैं। आप लोगों को नीड है इसलिए आपने वो चीज खरीदी, वो प्रोडक्ट आपने लिया। लेकिन जूठी जहां पर एक बार फिर से गलत मिसाइल मिसाइल नहीं, मिसाइल तो वो चलाती हैं, मिसाल कायम करती हुई नजर आई हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने पर मतलब अब क्या कहें कि वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हैं, चलिए करती होंगी, है ना। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि गलत इन्फ्लुएंस करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर सौरभ जोशी ने भी अगर एक नई गाड़ी ली है तो दूसरी गाड़ी जो है वो उसने दान में या टिप में ऐसे किसी को नहीं दी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सौरभ जोशी से, है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो हैं उनके एपिसोड से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन जो है फ्लाइंग बीस्ट, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
ठीक है। नो डाउट वो भाभी को बहुत कुछ देते होंगे, अपनी मेड को बहुत कुछ देते होंगे, लेकिन ऐसे एपिसोड बनाने के चक्कर में दिखा दिखा कर नहीं देते हैं। और झूठी जो है, आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आपने रेंट पर आपने घर लिया है, तो उसमें ये है कि आप सीधा डायरेक्ट ही होटल में विजिट कैसे करके, होटल में विजिट करके एक तो इतनी बर्डन होती है कि आपने घर शिफ्ट किया, घर शिफ्ट करने के बाद जो है आप लोगों के दिमाग में ये भूत सवार रहता है कि अनपैक कर लें सामान, जगह जगह लगा लें, मतलब घर को सेट कर लें। कितनी हेडिक होती है, कितनी टेंशन होती है इस बात की। मैंने अभी चेंज किया 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है, और किस रीजन से किया ये भी आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो भी मैं जरूर आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं, है ना। कुछ ठीक हो जाए आप लोगों की ब्लेसिंग से और किसी अच्छे और सच्चे इंसान की, पता नहीं भगवान कब किसकी कब सुन ले, है ना। चलिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के सर पर जो है इतनी बर्डन होती है घर शिफ्टिंग में कि सामान जो है वो एज इट इज ठीक ठाक हमारा पहुंच जाए, पहुंचने के बाद हम लोग अनपैक कर लें, अनपैक करके अपना घर जो है वो सेट कर लें, है ना। लेकिन जूठी जो है जहाँ तो मजे लिए जा रहे हैं, घूमा फिरा जा रहा है, इन्होंने सोचा था चलिए थोड़ा घूम लेंगे फिर लेंगे और फिर यहीं पे परमानेंट अपना घर का मतलब बसेरा जो है यहीं पे डेरा जमा लेंगे और फिर यहीं पे हम लोग अपना बेबी प्लान भी करेंगे। देखिए एक चीज यहाँ पर मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि पुत्तन परी ने भी यही वर्डिंग बोलते हुए कहा था कि मेरा पक्का ठिकाना कौन सा है। अब देखिए पुत्तन परी का जो पक्का ठिकाना है क्या वो भी यहीं पे ही रेत के टीलों के इधर आसपास ही होगा। देखिए पहाड़ तो पहाड़, अब टीले भी आ गए हैं, है ना। तो यही वो बात है, घूमने फिरने को कह देना कि पक्का ठिकाना यही है जहाँ फिर बाद में कुछ और रिवील होगा, यही जानने के लिए तो हम सब बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छा इन्फ्लुएंस करिए। सौरभ जोशी को देख लीजिए, इतना बड़े यूट्यूबर है लेकिन ऐसी सोशेबाजी, मतलब कि देखिए ट्रेवलिंग व्लॉग होते हैं उनके, लेकिन ऐसी सोशेबाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लिया जाता है जिसमें कि कभी किसी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है आपने किसी को कुछ देना है तो दीजिए, लेकिन बाद में फिर मांगिए मत। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंटी महारानी से साइकिल मांग ली गई थी पर मिली नहीं, आंटी भी कम नहीं है, वो क्यों देगी, सोचने वाली बात है। और यहाँ पर ये जो है अपनी मेड ने एक प्यार से एक गिफ्ट देने की कोशिश की है तो इन्होंने जी हट करते हुए उसको वो चीज लौटा दी है कि आपके काम आई, ये कहने की बजाय प्यार से ये कह देती कि आपने मेरे लिए कहा तो इतना ही बहुत है, लीजिए आप रख लीजिए, आपके पहने हुए बहुत अच्छी लगती है, है ना। तो ये वो बात होती है, उसकी तो ब्लेसिंग थी, वो प्यार से देनी चाहती थी कोई निशानी, उनको ये नहीं पता कि ये कभी भी फिर से वापस आ जाएंगे और कोई भी छोटा सा फिर से एक रूम ले लेंगे। खैर रूम तो छोटा नहीं था, रूम तो बड़ा था लेकिन दो लोगों के लिए सफिशिएंट था। चलिए ये तो भाई इनके बातें हैं, लेकिन एक्चुअली में जाना था दुबई, पहुंच गए रेत के टीलों में। देखिए दुबई वाली ही फीलिंग मिलेगी, डोंट वरी। आप देखिए जूठी की कहानी, रेत वहां भी है, रेत यहाँ पे भी है, रेगिस्तान वहां पे भी है, रेगिस्तान यहाँ पर भी है, तो जूठी का एक्चुअली में राजस्थान ही है दुबई, ठीक है। और जहां पर कनाडा के लिए भी प्लानिंग करी गई थी तो मोटू बिटिया कौन कौन से जलवे दिखाएंगे और मोटू बिटिया के जलवे देखने के लिए सब ऑडियंस जो है वो तैयार रहे, अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध ले, क्योंकि जूठी की नेक्स्ट प्लानिंग जो है बड़ी धांसू होने वाली है। तो जी हम लोगों के भी एपिसोड आते ही रहेंगे उसके ऊपर। और अब की बात कर लेते हैं जाते हुए थोड़ी सी गुलाब सिंह के ऊपर भी। तो जी गुलाब सिंह भी खुशी की, कहते ना प्यार में तो भाई जब आदमी को प्यार हो जाता है तो उसको कुछ भी गलत सलत नजर नहीं आता, ना गलत ना सही, है ना, क्योंकि वो प्यार की दीवानगी में उसकी रोह में बहता हुआ चला जा रहा है। अब वो भक्ति की दीवानगी हो जहाँ फिर ये बग्गा बग्गी वाली, है ना। तो यही वो बात है कि एक तो नाम ही बदल के रख लिया है, नाम कुछ का कुछ कर लिया है, हमारी प्यारी सी चंपा के प्यार में पागल हुए जा रहे हैं गुलाब सिंह जी। और यहाँ पर मम्मी जो है वो भी पूरी डोरे डालती हुई नजर आई हैं चंपा के ऊपर। तो ये देखने के लिए बने रहना होगा आपको मेरे साथ मेरे एपिसोड में, तो भूलना नहीं ब्लेसिंग देना, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड को लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।